हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो आई होप बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिन बच्चों ने मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और प्रैक्टिस सेट दिए थे वो लगा के गए हैं, वो तो उनका पूरा पेपर गया होगा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे उनका काफ़ी मात्रा में पासिंग मार्क्स क्वेश्चन तो आ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने सैम्पल पेपर भी लगाए होंगे जो मैंने दिए थे और दोनों लगा लिए थे, तो उनका तो बच्चों पूरा का पूरा पेपर गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसा भी गया हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी गया हो आप कैसे भी लिख के आए हो, लेकिन अगले पेपर की तैयारी करना बच्चों। 12th इंग्लिश की ग्रामर का लाइव सेशन होगा बच्चों आज रात को 7 बजे, ठीक है। तो बच्चों सब लोग तैयार हो जाना, इंग्लिश की लाइव क्लासेस होने वाली है, तो सब लोग तैयार रहना, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं। अब बच्चों सुनो एक बात और अच्छे से, चैनल को बच्चों शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंडों को, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना बच्चों और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जितने भी 12th के आपके स्टूडेंट हैं, फ्रेंड हैं, 10th के 12th के जितने भी हैं, उन सबको वीडियो या चैनल को शेयर कर दीजिए प्लीज़, जिनको उनकी भी अच्छे से हेल्प हो सके। चलिए तो इनके आंसर्स लगा लीजिए आप अच्छे से एक बार और। तो किसकी गर्मी से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, ठीक है। और 12th का इंग्लिश का सब कुछ मटेरियल दिया जा चुका है आपको, एक बार और अच्छे से चेक कर लेना, मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा। शाम को वीडियो क्लास आने वाली है, लाइव क्लासेस, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके आंसर जो दिए गए हैं, हो सकता है इनमें एक आध गलती हो गई हो बाई चांस, फिर भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर कोई गलती हो गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और आप कितने नंबर का करके आएँ ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसा गया आपका पेपर और कितने नंबर का करके आए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अपने मार्क्स जरूर बताएं कितने का करके आए हो, ठीक है। ये आपके आंसर्स दी गए हैं पेपर के, ठीक है। हो सकता है क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इसके टिक लगा लेना अच्छे से। आंसर्स दी गए हैं और ये रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है, लुट्टन के माता पिता उसके कितने 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे, है ना। तो ये सब इसके आंसर दिए हैं, मैचिंग्स दी गई हैं, ठीक है, मैचिंग्स। चित्रकार किसका है, चितेरा का। संपादकीय पृष्ठ इसका आंसर है अखबार की आवाज़, अखबार की अपनी आवाज़, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है बच्चों, भक्ति काल को। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन थे बच्चों, जयशंकर प्रसाद। मस्ती का संदेश कौन देना चाह रहा था, हरिवंश राय बच्चन, इनकी ये ना कविता। तो चौपाई छंद 16 मात्राएं होती हैं, है ना। ये सब आपके वन वर्ड के आंसर्स हैं। इसके बाद ये सत्य सत्य हैं, अगर कोई गलती हो गई तो बता देना मुझे। और ये मैंने ये जो क्वेश्चन थे ना ये सेट में दिए थे बच्चों, देख लेना एक बार, ये भी सेट में था जो मैंने आपको दिए थे। और ये मैंने जो इम्पोर्टेंट दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ये वो आया हुआ है। इसके भी ये भी सेट में आपको दिए गए थे। वीर रस और संदेह दोनों दिए थे मैंने आपको इम्पोर्टेंट, ये दोनों आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए थे। कवित छत मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया था, ये आया हुआ है। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट दिए थे, ये भी दोनों आए हैं आपके सामने। कुल मिला के ये पूरा का पूरा पेपर आपके सामने जो दिया जा रहा है, जो मैंने दिए थे वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक आधी कोई क्वेश्चन छोड़ दो, तो मैंने अभी पहले बोला था आपको बच्चों 15 नंबर का कठिन आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आएगा, तो वैसा ही हुआ है। अच्छा, हरिवंश राय और तुलसीदास ये तो दोनों आपको मैंने पर्चे दिए थे और दोनों के दोनों आ गए हैं इसमें। फणीश्वरनाथ रेणु और धर्मवीर भारती ये भी दोनों दिए थे, ये दोनों आए हैं। और अगर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जितने भी दिए थे, क्रिकेट का संवाद सिर्फ एक ही दिया था मैंने आपको, संवाद सिर्फ एक ही दिया था मैंने आपको, जो कि वही आया हुआ है। निबंध तो आपका आया हुआ है। तो इसी प्रकार ये पद्यांश दिया गया है, और ये दोनों पद्यांश, पद्यांश और ये गद्यांश, ठीक है, ये भी दोनों दिए थे मैंने आपको। ओके बच्चों, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो ऐसे ही मैं आपको पेपर देता रहूँगा और इम्पोर्टेंट आते रहेंगे सभी इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले जा चुके हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक कर लीजिए, उसमें सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की वीडियो डली हुई हैं। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो पूरे की पूरी वीडियो आ जाएंगी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।